कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। तो भगवद गीता की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमः ओम विष्णु पादाय, कृष्ण प्रेष्ठाय, भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राज भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। अध्याय 10 श्लोक नंबर 18। श्री भगवान का ऐश्वर्य। जो व्यक्ति ध्यान पूर्वक श्रवण करता है उसका जो श्रवण होता है वो बहुत अच्छा होता है। जो काम करते हुए श्रवण करता है वो बिल्कुल कुछ नहीं सुन पाता है ना। इसलिए रिक्वेस्ट है आपसे कि आप एक काम एक बार में करें, ये आध्यात्मिक जगत का रूल है। तो प्लीज हमको अपना थोड़ा सा कान दे दें, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, और जो सुन रहे हैं उसको बुक कॉपी के साथ ठीक से लिखें। यही प्रॉब्लम है कि हम एक साथ मल्टीपल काम करते हैं और किसी भी काम में परफेक्ट नहीं। भगवान की प्रीति के लिए कार्य होता है, तो भगवान के रूल्स होने चाहिए। आध्यात्मिक जगत में एक समय में एक काम। तो हम पहले पढ़ लेते हैं, तो श्लोक का नंबर 18 है ना। हमने पढ़ा, विस्त्रेण आत्मना योगम विभूतिम च जनार्दनम भूषणम कथ्य तृप्ति ही शुणवंत न अस्ति मे अमृतम। अर्जुन बोलते हैं, हे जनार्दन, यानी भगवान के नाम को यहाँ पे बोल रहे हैं जनार्दन। तो भगवान के नाम का जनार्दन का मतलब होता है कि जो जन अर्दन, यानी जो नास्तिक लोग हैं उनका मर्दन करने वाले जनार्दन। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे अर्जुन जो है बोले कि हे भगवान, आप जनार्दन, अतः पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ, है ना। और हमारे साथ जस्ट इसका ऑपोजिट होता है ना, कि जितना जल्दी हो सके ये क्लास खत्म हो जाए और महाप्रसादे गोविंदे हो जाए, है ना। तो उसमें हम आगाते नहीं है। और हम यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि हम आपके ज्ञान, आप जो दे रहे हैं वो अमृत जो है मेरे लिए अघाने वाला नहीं। तो तात्पर्य कौन पढ़ेगा? हरे कृष्णा माता जी, 18 का ही पढ़ू ना? तात्पर्य हाँ श्री प्रभुपाद के द्वारा उसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों के सुद गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है। वयम तु न वितृप्त्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यत् शृण्वताम रस ज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम श्रुतियों द्वारा प्रशस्तित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 1.1.19। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहते हैं। जहाँ तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी व्याख्यान अमृत तुल्य है, और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियां कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न है क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भ से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास है जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बार बार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। हरे कृष्ण। तो देखिए यहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं कि भगवान आप अपनी लीलाओं के बारे में जो बता रहे हैं कि आप किस तरह सभी दुनिया में सर्वव्यापी रूप में हैं, तो अपने ऐश्वर्य के जो आप बता रहे हैं कृपया और बताइए, मैं और ज्यादा सुनना चाहता हूँ। क्योंकि अर्जुन ये सुनकर बहुत आश्चर्यचकित थे कि भगवान जो है सब जगह व्याप्त है ना। तो हम कैसे देख सकते हैं कि भगवान हर सब जगह व्याप्त?
तो ये भगवान से ही पूछना ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि और किसी से हम पूछेंगे तो वो गलत सजेशन हमें दे सकता है। तो अर्जुन ने ये बहुत सुंदर बात बताई है, और ये जो लक्षण है ये प्रीति के लक्षण है, ये एक भक्त के लक्षण है जो बार बार भगवान के बारे में डीपली और हर एंगल से सत्य को देखना चाहता है। तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद ने कोट किया है कि भागवतम में भी जो सूत आदि जो गोस्वामी थे उनसे जो ऋषि लोग थे शौनक आदि ऋषि, वो पूछते हैं कि आप मुझे बार बार बताइए, थोड़ा डीपली बताइए। तो जब भी ये विधा है, जब कोई व्यक्ति व्यास आसन पे बैठकर भगवान की कथाओं को सुना रहा होता है तो ऑडियंस को अपना इंटरेस्ट बताना पड़ता है कि आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड व्हाट यू आर गोइंग टू से, है ना। तो क्या कीजिए, आप अपना दिल खोल के बताइए, है ना। यदि हम सोते हैं क्लास में तो फिर क्या होता है, या अपनी पात्रता शो नहीं करते तो जो हमारे साथ व्यास आसन में बैठे हैं वो ठीक से रिवील आउट जो है नहीं करते हैं। तो भक्त जो है, इसलिए हमने श्लोक भी पढ़ा था ना इसमें 10.10 में, है ना, कि मच्चित्ता मत गत प्राण बोधयंतस परस्पर तथयंतश्च मानित्यं तुष्यन्ति च तमन्ति च। तो 10.9 में देखा था कि भक्त इसी में रुचि लेते हैं, ये भक्तों की सिग्निफिकेंस है कि वो भगवान के कार्यकलापों और लीलाओं में बहुत जो है वो इंटरेस्ट लेता है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं। और भगवान की कथाएं कैसी होती है, अमृतम है ना, शाश्वत होती है। जो सुनता है वो भी शाश्वत हो जाता है और जो पढ़ता है वो भी शाश्वत हो जाता है। तो भगवान के जो लीला सुनने से जीव में जो है वो थकान भय इन सबका नाश हो जाता है ना। इसलिए क्या है, जो भक्त हैं क्योंकि भगवान के रूप को मानते हैं, लेकिन बाकी लोग भगवान के रूप को नहीं मानते, निर्विशेषवादी या नास्तिक लोग, तो वो लोग इनका टेस्ट नहीं ले पाते। तो भगवान की सर्वव्यापकता कैसे कैसे है इसका भी जो आस्वादन है वो भक्त ही करते हैं, ठीक है ना। तो भगवान जो है अर्जुन के बात से बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान बोलते हैं, श्री भगवान उवाच हंत ते कथिष्यामि आत्मभूतय प्रधान्यंत्या कुरु श्रेष्ठ अस्ति हे अंत विस्तर विस्तर में। यस, इसको पढ़िए, कोई पढ़िए पढ़िए घर से ही सुते। श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे अपने मुख्य मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूंगा, क्योंकि हे अर्जुन, मेरा ऐश्वर्य असीम है। तात्पर्य एवं अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण की महानता तथा उनके ऐश्वर्य को समझ पाना संभव नहीं है। जीव की इंद्रियां सीमित है, अथा उनसे कृष्ण के कार्यकलापों की समग्रता को समझ पाना संभव नहीं है। तो भी भक्त जन कृष्ण को जानने का प्रयास करते हैं, किंतु यह मानकर नहीं कि वे किसी विशेष समय में या जीवन अवस्था में उन्हें पूरी तरह समझ सकेंगे, बल्कि कृष्ण के वृत्तांत इतने अस्वाध्याय हैं कि भक्तों को अमृत तुल्य प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार भक्तगण उनके उनका आनंद उठाते हैं। भगवान के ऐश्वर्य तथा उनकी विविध विविध शक्तियों की चर्चा चलाने में शुद्ध भक्त को दिव्य आनंद मिलता है। अतः वे उनको सुनते रहना और उनकी चर्चा चलाते रहना चाहते हैं। कृष्ण जानते हैं कि जीव उनके ऐश्वर्य का विस्तार को नहीं समझ सकते, फलतः वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रमुख स्वरूपों का ही वर्णन करने के लिए राजी होते हैं। प्राधान्यता शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम भगवान के प्रमुख विस्तारों को ही समझ पाते हैं, जबकि उनके स्वरूप अनंत हैं। इन सबको समझ पाना संभव नहीं है। इस श्लोक में प्रयुक्त विभूति शब्द उन ऐश्वर्यों का सूचक है जिनके द्वारा भगवान सारे विश्व का नियंत्रण करते हैं। अमरकोश में विभूति का अर्थ विलक्षण ऐश्वर्य है। निर्विशेषवादी या सर्वेशवादी ना तो भगवान के विलक्षण ऐश्वर्य को समझ पाता है, ना उनकी देवी शक्तियों को के स्वरूप को। भौतिक जगत में तथा वैकुंठ लोक में उनकी शक्तियां अनेक रूपों में फैली हुई हैं। अब कृष्ण उन रूपों को बताने जा रहे हैं जो सामान्य व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। इस प्रकार उनकी रंग बिरंगी शक्ति का आंशिक वर्णन किया गया है। तो अर्जुन देखिए ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से कि आगे चलकर एक जो सामान्य पब्लिक जिनकी भगवान में श्रद्धा है, लेकिन आप जानते हैं जहां चमत्कार को नमस्कार मिलता है ना, जब तक कुछ चमत्कार ना हो, कुछ बताया ना जाए, तब तक वो लोग नमस्कार नहीं।
तो इसीलिए अर्जुन जो है, अर्जुन तो जानता है कि भगवान हर जगह है, हर कर्म में विद्यमान है, भगवान से ही सारी चीज सृष्टि होती है, लेकिन आम जो जनता है उसको समझाने के लिए यहाँ पे अर्जुन भगवान से ही ये प्रश्न पूछकर क्लियरिफिकेशन रूप से बताना चाहता है कि भगवान बताए रहे हैं उस तरह से हमें ये देखना चाहिए कि कैसे भगवान हर चीज में व्याप्त है। क्लियर हो रहा है? सब भगवान का है, ये मायावादी विचार है ना, सब कुछ भगवान, व्यक्ति भगवान का है और भगवान ही है, दोनों में अंतर है ना। जैसे दलिद्र नारायण, प्रभुपाद इसको बहुत क्रिटिसाइज करते थे, नारायण कभी दलिद्र नहीं हो सकता, है ना। तो कहने का मतलब ये कि मायावादी जो है उनकी थिंकिंग होती है कि सब कुछ भगवान है, सब कुछ भगवान नहीं है, भगवान से निकला हुआ, मतलब स्थानी सर्वभूतानि, है ना। सातवें अध्याय में हमने पढ़ा था भगवान से सब चीज की उत्पत्ति नहीं होती, लेकिन भगवान कहते हैं मैं इनसे अलग हूँ। खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे, लेकिन खंबा भगवान थोड़ी है, वो एक माध्यम है। क्लियर हो रहा मतलब? तो हालांकि सब चीज भगवान से ही उत्पन्न हुई है, लेकिन हर चीज भगवान थोड़ी है। क्लियर हो रहा है? भगवान एक अलग एग्जिस्टेंस भी रखते हैं। बात क्लियर हो रही है? ये तो ये जो भेद है ये भक्तों को पता होता है, भक्त जो है भगवान के स्वरूप को मानते हैं, इसलिए जब वो बताते हैं भगवान ऐसे हैं, भगवान यहाँ रहते हैं, भगवान इस रूप में है, तो वो उसको इंजॉय करते हैं, है ना। भगवान प्रसाद के टेस्ट के रूप में आते हैं, तो भक्त उस प्रसाद को इंजॉय करते हैं, है ना, हर चीज इंजॉय करते हैं। ये जो नास्तिक लोग हैं वो भगवान को रूप को नहीं मानते, है ना। भगवान जब रूप को नहीं मानते तो भगवान के जितने भी ऐश्वर्य है उनको कैसे माने, तो इसलिए उनको कोई टेस्ट नहीं लगता, है ना, इसलिए वो नीरस रहकर। यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को समझाया था वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि जो कृष्ण जो है वो विस्तृत रूप से अब ये बताने जा रहे हैं कि अपने भक्त का आनंद बढ़ाएंगे ना, कि भगवान बता रहे हैं कि मैं सब में कैसे रहता, तो वो देखने पर जीव जो है और उनको हर समय दर्शन करेंगे। तो किसी में जो एक विशिष्ट गुण होता है वो भगवान होता है ना। जैसे कोई बहुत सुंदर है, कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा पकाता है, ऐसे बहुत से स्किल्स होते हैं जो किसी के अंदर विशेष होते हैं, भगवान कहते हैं वो ऐश्वर्यमय। क्लियर हो गया? जैसे आपको याद है एक इंसिडेंट कि श्री प्रभुपाद जो है एक बार विदेश यात्रा कर रहे थे एयरपोर्ट पे, तो उनके एक जो शिष्य थे उन्होंने देखा एयरपोर्ट पे प्रभुपाद को रिसीव करने आते, तभी उनके पास से वो एयर होस्टेस जो है वो निकल के गई, और वो एयर होस्टेस बहुत सुंदर थी, तो वो देखते ही रह गए एयर होस्टेस को ऐसे, है ना। तो जब वो एयर होस्टेस को देख रहे थे उसी समय प्रभुपाद ने उनको देखा और उनकी दृष्टि भी प्रभुपाद पे पड़ी कि प्रभुपाद ने उन्हें देख लिया कि वो एयर होस्टेस को देख रहे हैं, तो झेप गए कि अरे प्रभुपाद ने उनको देख लिया अब क्या होगा। तो प्रभुपाद ने उनके पास आके बोला कि वो एयर होस्टेस सुंदर है ना, तो कहा हाँ। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो जिस वो कृष्ण कितने सुंदर होंगे, जिसने ये सृष्टि की वो इतनी सुंदर है तो कृष्ण कितने सुंदर होंगे। तो दिस इज द वे टू सी द कृष्ण। लेकिन जनरली जब हम कृष्ण को बीच में नहीं रखते तो किसी का ऐश्वर्य अगर हम देखते तो हमें ईर्ष्या होती है, जलन होती है ना, क्योंकि मिथ्या अहंकार अपने आगे किसी और को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जब हम कृष्ण को सेंटर में रखते हैं और किसी का ऑपुलेंस देखते हैं तो हम कहते हैं देखो, जैसे कि एक बार प्रशांता माता जी थी, वो हमारे भक्ति वैभव की क्लास ले रही थी, तो उन्होंने बताया कि क्या हुआ कि वृंदावन में खुदाई हो गई थी काफी जगह, है ना, पाइपलाइन डाली जा रही थी, सेवर लाइन पाइपलाइन ऐसे डाली जा रही थी, तो खुदाई हुई थी। और वो कहते हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी जाने में, मंदिर आने में, करने में और सारे सेवाएं देने में, तो हम लोग कहते थे कहाँ से इतना इतना पैसा इन लोगों के पास कहाँ ज्यादा कि इतनी खुदाई के लिए पैसा दे देते। दुर्गा की मेरी सीनियर मेरे साथ चली थी, उन्होंने कहा कि नहीं, भगवान ने उनको दिया है, वो भगवान की सेवा में लगा। तो वो कहते कि मुझे अभी जिन चीजों से इरिटेशन हो रही थी अभी इरिटेशन होना बंद हो गया कि नहीं भगवान ने उनको दिया है कि वो वृंदावन को, हाँ कोई आया कि वृंदावन जो है वो सुंदर बनाया जाए, तो इसलिए भगवान ने उनको धन दिया है वैभव कि वो सेवा कर सके। तो इस तरह से हरे कृष्णा।
तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि उनका कैसे किस तरह से वो सर्वव्यापक है। तो आगे श्लोक में भगवान बोलते हैं, आत्मना गुणा केश सर्वभूत आश्रय स्थित अहम आदि च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। ये श्लोक का पढ़िए। पढ़ू माता जी में? हाँ, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। श्री श्री प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य इस श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहकर संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ है निंद्रा रूपी अंधकार को जीतने वाला। जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए हैं, उनके लिए यह समझ पाना संभव नहीं है कि भगवान किन किन विधियों से उस लोक में तथा वैकुंठ लोक में प्रकट हो गए। अतः कृष्ण द्वारा अर्जुन के लिए इस प्रकार का संबोधन महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन ऐसे अंधकार के रूप के ऊपर है। अतः भगवान उससे विविध ऐश्वर्यों को बताने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अपने मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत की आत्मा है। भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा पुरुष अवतार धारण करते हैं और उन्हीं से सब कुछ आरंभ होता है। अतः वे प्रधान महत्व ही आत्मा है। इस सृष्टि का कारण महत्तत्व नहीं होता है। वास्तव में महाविष्णु संपूर्ण भौतिक शक्ति या महत तत्वों के प्रवेश करते हैं, वे आत्मा है। जब महाविष्णु इन प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में प्रवेश करते हैं, तो वे प्रत्येक जीव में पुनः परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। हमें ज्ञात है कि जीव का शरीर आत्मा के स्फुरलिंग की उपस्थिति के कारण विद्यमान रहता है। बिना आध्यात्मिक स्फुरलिंग के शरीर विकसित नहीं हो सकता। उसी प्रकार भौतिक जगत में तत्व तक विकास नहीं होता जब तक परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं हो जाता। जैसे कि सुबल उपनिषद में कहा गया है, प्रकृति यादि सर्वभूतानां यामी सर्वेशो च नारायण। परमात्मा रूप में भगवान समस्त प्रकटीभूत ब्रह्मांडों में विद्यमान है। श्रीमद् भागवतम में तीन पुरुष अवतार का वर्णन हुआ है। सात्वत तंत्र में भी इनका वर्णन मिलता है। विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुष व्याख्यान यथो विदु। भगवान इस लोक में अपने तीन स्वरूपों को प्रकट करते हैं, कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु तथा शिरोदक्षाय विष्णु। ब्रह्म संहिता 5.47 महाविष्णु या कारणोदक्षाय विष्णु का वर्णन मिलता है। यह कारणाज्वले भजति स्व योग निंद्रा। सर्व कारण कारण भगवान कृष्ण महाविष्णु के रूप में कारण च में शयन करते हैं। अतः भगवान इस ब्रह्मांड के आदि कारण पालक तथा समस्त शक्ति के अवसान है। हरे कृष्ण कृष्ण। अरे देखिए यहाँ पे भगवान जो है वो क्या कह रहे हैं। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो यहाँ पे भगवान अपने सर्वव्यापकता को बता रहे हैं। तो सर्वव्यापी रूप में भगवान कैसे रहते हैं? पहले परमात्मा के रूप में सबके हृदय में भगवान जो क्या रहते हैं, हृदय में कहाँ रहते हैं? परमात्मा में। इसीलिए जितनी भी गतिविधियां होती हैं बॉडी की, वो कहाँ से होती है? हृदय के द्वारा, है ना। हृदय से शुरू होती है, हृदय को ही दी जाती है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन सारा होता है तो किधर की तरफ जाता है ना, सब उधर की तरफ चल रहा है। तो सारी चीजें वहीं से क्यों होती हैं? क्योंकि भगवान वहां पे होते हैं, परमात्मा के रूप में भगवान होते हैं। और फिर बोलते हैं, मैं सब जीवों का आदि हूं, मध्य हूं और अंत है। भगवान क्या है? भगवान ही उसके स्रोत हैं, मध्य हैं और अंत हैं। तो श्लोक में अर्जुन को गुणाकेश कहा गया है, मतलब इसका अर्थ होता है कि मतलब अभी उसको जो अज्ञानता है
उसको भगवान ज्ञान देके नष्ट कर देंगे। उसको ज्ञानता क्या है कि भगवान की सर्व व्यापकता को वो नहीं जानता, और भगवान अपना ऐश्वर्य के द्वारा बताएंगे कि भगवान कैसे कैसे हर जीव में विद्यमान। तो सब कुछ भगवान नहीं है, भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। मैं इसीलिए जो वैष्णव होते हैं वो भगवान को हर के अंदर देखकर उसको रिस्पेक्ट करते, लेकिन यदि कोई व्यक्ति हानि पहुंचा रहा होता है या दुष्ट स्वभाव का होता है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, लेकिन आदर वो हर व्यक्ति का करते। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम अर्जुन को बताते हैं कि मूल विस्तार के कारण समग्र दृश्य जगत में ही भगवान ही आत्मा है, और इसी की तरह भगवान क्या कहते हैं, भौतिक जगत भगवान डायरेक्ट डील नहीं करते, भौतिक जगत जो है भगवान पुरुष अवतार के रूप में डील करते हैं। ठीक है ना? तो कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और शिरोदक्षाई, ये तीन अवतार होते हैं विष्णु के, जिसके द्वारा वो आदि मध्य और अंत को कर, है ना। तो कारणोदक्षाई विष्णु जो है वो आदि होते हैं, है ना। इसको इसी तरह भौतिक जगत में जो विकास नहीं होता तो परमात्मा कृष्ण का प्रवेश नहीं होता था। जैसे ही भगवान का प्रवेश होता है सभी चीजों का उद्यापन हो जाता है। ये समझना चाहिए, भगवान यदि चीजों में नहीं होते, परमात्मा के रूप में नहीं जाते, तो जीव कोई कार्य नहीं कर सकता। यानी सभी के हृदय में भगवान जब प्रवेश करते हैं तो उनमें सारी प्रक्रियाएं चालू। कारण तो भागवत में तीन पुरुष के बारे में बताया गया है, तो प्रभुपाद ने यहाँ पे वर्णन किया है। तो सर्व कारण भगवान विष्णु महाविष्णु होते हैं, और वो कारण दर्शाए रूप में उत्पन्न होते हैं, और भगवान ही आदि होते हैं, पालक होते हैं और संहारक। ठीक है, तो भगवान ही, अब समझ में आ गया। तो परमात्मा के रूप में भगवान हृदय में रहते हैं, और तीन विष्णुओं के फॉर्म में भगवान आदि मध्य और अंत के रूप में। क्लियर हो गया? तो भगवान जो है विष्णु फॉर्म में इस भौतिक जगत में रहते हैं। तो पहला जो ऐश्वर्य का वर्णन भगवान कह रहे हैं, अर्जुन को दिखा रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के, मनुष्य क्या, पशु क्या, जीव जंतु क्या, पेड़ पौधे क्या, मतलब जितने भी चीजें हैं जड़ या चेतन, सब का आदि स्रोत मैं, है ना। तो सबके अंदर भगवान परमात्मा के रूप में देखते। क्लियर हो गया? ये फर्स्ट ऑपुलेंस जो है वो अर्जुन ने। थैंक यू। श्री प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।